हे गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैराडाइज पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉक्सकॉम के प्लांट को बीज से कैसे स्टार्ट किया जाए। पर उससे पहले, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल का आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए आपको जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चिया के सीड्स की जर्मिनेशन रिक्वायरमेंट्स की। तो कॉक्सकॉम के बीज को अच्छे से ग्रो होने के लिए जो टेम्परेचर की रेंज चाहिए वो होनी चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, या फिर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। जहाँ तक लाइट की रिक्वायरमेंट की बात है, तो कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए अंधेरे की ज़रूरत होती है, तो आप इस सीड को अच्छे से पॉटिंग मिक्स से कवर कर सकते हैं, और चाहे तो पॉट को न्यूज़पेपर या किसी भी डार्क कलर की प्लास्टिक शीट से भी कवर कर सकते हैं। जहाँ तक दिन की बात करें, तो डिपेंड करता है आपके यहाँ के मौसम और बाकी जर्मिनेशन कंडीशन पर। तो नॉर्मली इसका सीड 7 से 10 दिन के बीच में अच्छे से जर्मिनेट हो। इस पॉटिंग मिक्स के अंदर 2 भाग आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल के हैं, 1 भाग कंपोस्ट, 1 भाग कोकोपीट, 1 भाग रेत, और थोड़ा बहुत ही थोड़े से अमाउंट में परलाइट एंड वर्म्यूकलाइट। ये इसका गमला मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी इसके तले में छेद है, तो इसके छेद के ऊपर हम कोई भी पत्थर का टुकड़ा रख देते हैं। अब इसके अंदर जो पॉटिंग मिक्स हमने तैयार किया वो भर देते हैं। लगभग आधा है भर गया है। अब बहुत ही हल्के हाथ से, या तो मैं आप या तो हल्के हाथ से कर सकते हैं या किसी भी टूल की सहायता से थोड़ा जो पॉटिंग मिक्स है उसको कंप्रेस कर दीजिए, ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हो वो सब निकल जाए। अब इस गमले में ऊपर तक जो मिक्स मैंने तैयार किया उसको भर देते हैं। थोड़ा सा गमले को हिला देता हूँ ताकि जो मिट्टी है पॉटिंग मिक्स जो बनाया है वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए, अच्छे से बैठ जाए, और कोई भी थोड़ा बहुत एयर पॉकेट्स हो तो वो निकल जाए उसके। ये कॉक्सकॉम के सीड हैं, ये मैंने काफ़ी कम दाम में मंगवाए थे। एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि कहाँ से आप सस्ते में अच्छे से अच्छे सीड्स खरीद सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, और जो सेलर है उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। अभी एक एक करके अच्छे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये सभी बीजों को फैला दें। बहुत ही पतली लेयर से इन सीड्स को मैं कवर कर देता हूँ सेम पॉटिंग मिक्स से। अब इसमें एक बार आप अच्छे से पानी दे दीजिए। जैसे कि इन सीड्स को अंधेरे की ज़रूरत होती है जमने के लिए, तो इस पॉट को मैं छायादार जगह पर रखूँगा। ये 8 दिन के बाद का रिजल्ट है। ऑलमोस्ट सभी सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं अच्छे से, और सीडलिंग्स भी काफ़ी हेल्दी लग रही हैं। तो अब आप पॉट को ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे कम से कम 2 से 3 घंटे की सनलाइट इनको मिलती रहे, और कोशिश कीजिएगा ऐसी जगह रखें जहाँ पे सुबह की लाइट मिले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये और 20 दिन के बाद का रिजल्ट है। सारे प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, कुछ तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो ये सही टाइम है कि मैं इनको इंडिविजुअल अलग 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 पॉट्स में ट्रांसप्लांट कर दूँ। मैं ये 8 इंच का प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर रहा हूँ ट्रांसप्लांट करने के लिए। और जहाँ तक पॉटिंग मिक्स की बात है, जो मैंने पहले पॉटिंग मिक्स बनाया था सीड को जर्मिनेट करने के लिए, सेम वही पॉटिंग मिक्स मैं यूज़ करूँगा। पॉटिंग मिक्स को इस गमले में हम भर देते हैं। पॉट को थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि जो पॉटिंग मिक्स है वो अच्छे से बैठ जाए। अब किसी भी टूल की सहायता से आप बहुत ही सावधानी से किसी भी एक सीडलिंग को इसमें से निकाल लीजिए। पॉट के बीचों बीच रखकर इसमें चारों तरफ से मैं पॉटिंग मिक्स डाल देता हूँ। थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस कर देता हूँ ताकि सीडलिंग अपनी जगह जम जाए। और इस पे अच्छे से पानी दे देते हैं। तो इसी तरह बाकी की सीडलिंग्स को भी आप अलग अलग पॉट्स में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब इस पॉट को मैं छायादार जगह में रखूंगा 4-5 दिन के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे उसको फुल सन के अंदर रखना शुरू कर दूंगा।
जैसा कि अभी गर्मियों का मौसम है और जो एवरेज टेम्परेचर रहता है यहाँ पे 40 डिग्री से ऊपर ही रहता है दिन के समय में, और जैसे मैंने ऑलरेडी जो मिक्स मैंने तैयार किया है उसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र मिला दिया है, तो आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। पर अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही है या किसी और तरह की कमी उसमें दिखाई देती है, तो आप हर 20 से 25 दिन के अंतराल में बहुत कम मात्रा के अंदर अपने प्लांट को एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये और 20 दिन के बाद का रिजल्ट है। ये प्लांट जो काफ़ी सारी सीडलिंग्स मैंने ग्रो करी थी उनमें से ही एक है, और इसको मैंने थोड़े बड़े पॉट में लगाया था, 10 इंच के पॉट में, और जैसा आप भी देख पा रहे होंगे कि बहुत ही खूबसूरत फूल इसके ऊपर बना है, और भी कई सारे फूल इसमें बनेंगे अब। आई होप आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने ज़्यादा लोगों से आप कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो आपका तो प्लीज़ उसको लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।